हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आई स्टडी पॉइंट आज हम क्लास सेवेंथ का जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर है इससे पहले इस चैप्टर के हमारे दो वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड अडोपशंस एंड क्लासीफिकेशंस लास्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा था कि अडोपशन क्या है और उसके साथ साथ हमने अडॉप्शन इन प्लान भी स्टडी किया था तो अडाप्शन क्या है एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स सच चेंजेस आर कॉल्ड अडपशंस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है जिस सराउंडिंग में रहता है उस सराउंडिंग से ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए खुद के बॉडी में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करता है एंड दैट इज़ नथिंग बट द एडोपन्स जैसे कि समर सीज़न आता है तो हम लोग क्या करते हैं समर सीज़न में खुद को एडजस्ट करने के लिए हम लोग ए कूलर फैंस लगवा लेते हैं और वो करके हम लोग खुद को उस सराउंडिंग से खुद को एडजस्ट करते हैं राइट तो ये हुआ एडप्शन तो चलो आज हम एडप्शन इन एनिमल्स स्टडी करेंगे एनिमल्स जो होते हैं उन्होंने खुद के बॉडी में उस एनवायरनमेंट के साथ साथ कैसे चेंजेस किए उस एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करने के लिए कैसे चेंजेस किए ये हम लोग स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में सर्वाइव करते हैं पानी में रहते हैं तो पानी में रहने के लिए ऐसी कौन सी कौन सी ज़रूरतें थी या फिर ऐसे कौन से चेंजेस पानी में रहने वाले एनिमल्स को खुद के बॉडी में करने पड़े और वी कैन सिंपली सेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स राइट तो एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे अडोप्शन हुआ ये हम लोग देखते हैं एज कंपेयर टू टेरिस्टोरियल एनिमल्स द स्कीन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स ए टू हैव अंडरगोन चेंजेस टेरिस्टर टेरिस्टोरियल एनिमल्स मीन कौन से जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं तो एज कम्पेयर टू द टेरिस्टोरियल एनिमल्स द स्कीन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एपियर टू हैव अंडरगोन चेंजेस फिशेज हैव स्काल्स ऑन द स्किन एंड फाइन्स ऑन द बॉडी फिशेज जो रहते हैं उनके स्किन के ऊपर स्काल्स रहते हैं और फाइन्स रहते हैं देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक अ स्पिंडल फिश ब्रीथ विथ गील्स इंस्टीट ऑफ नोज तो फिशेज जो होते हैं वो गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ नोज देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आई लिट्स दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू टू हेल्प देम टू फ्लोट तो उनके बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते हैं और विद दैट दे कैन इजीली फ्लोट इन द वाटर दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स उसके बाद में ऐसे भी एनिमल्स है हमारे अर्थ पर जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो पानी में भी सर्वाइव कर सकते है और ऐसे एनिमल्स को हम लोग एम्फेबियंस कहते हैं तो उनमें आता है देखो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक फ्रॉक ये जो एनिमल होता है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे एज द फ्रॉक एंड डक हैव वेब्ड टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक तो ये जो फ्रॉग रहता है और ये फ्रॉग के साथ साथ ये जो डक्स रहते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो वेब्ड टोज रहते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दे हैव वेब्ड टोज एंड दे कैन यूज देअर लेग्स लाइक और ओके वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैं तो इनके जो फेदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं वैक्सी होते हैं सो दैट वाटर फ्लोज ऑफ फ्राम देअर फेदर्स वेबटोज स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्राइंगुलर हेड हेल्प फ्रॉक टू स्विम ईजीली थ्रू वाटर तो ये जो फ्रॉक होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इनके जो टोज होते हैं वो वेब्डी टोज रहते हैं स्लीपरी स्मूथ स्किन होती है और इनका जो हेड का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर रहता है सो दैट दे इजीली स्विम इनटू द वाटर दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन द लैंड तो ये जो फ़्रॉक होता है वो क्या करता है देखो पानी में जब रहता है तब बाई यूजिंग द स्किन दे कैन ब्रीथ एंड वन दे आर ऑन द लैंड बाई यूजिंग द नोज एंड लंग्स दे, दे, लंग, दे कैन ब्रीथ और ऐसी एबिलिटी फ्रॉक में होती है इसकी वजह से वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते है और पानी में भी सर्वाइव कर सकते है द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉक बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग द ग्रासेस उसके बाद में हम लोग एडप्शन इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड एनिमल्स देखेंगे कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग फॉक्स टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, स्ट्रोंग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रेम कार्निवोरस एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स जो खुद के खाने को फुलफ़िल करने के लिए खुद के न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं तो ऐसे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि वाइल्ड डॉग फॉक्स टाइगर तो इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं सो दैट दे कैन रन वेरी फास्ट एंड इजीली कैप्चर देयर प्रे दे हैव क्लॉज एंड देयर कैन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही कैनिन रहते हैं और शार्प होते हैं पॉइंटेड होते हैं टाइगर्स हैव पेड पॉज दिस इबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देअर प्रे एंड कैप्चर इट ईजीली टाइगर के जो पॉज होते हैं वो पेड होते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ही साइलेंटली उनके प्रे को स्टॉक कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं द आइज ऑफ प्रेडिटर कार्निवल्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड्स उनके जो आइज होते हैं इन फ्रंट ऑफ मतलब उनके हेड के आगे वाले हिस्से पे होते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर हेड्स इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देअ प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस और उस उसकी वजह से वो बहुत इजीली दूर तक उनके अगर उनके उनका अगर कोई स्प्रे प्रे होगा उनका अगर कोई प्रे होगा तो वो बहुत दूर से उनको स्पॉट कर सकते हैं आफ्टर दैट द आइज ऑफ हर्ब्योरस द आइज ऑफ हर्ब्यूरस आर बिलो द फोरहेड ये जो हर्ब्योरस एनिमल्स होते हैं ये कौन से एनिमल्स होते हैं वो खुद के न्यूट्रिशन को कम्प्लीट करने के लिए क्या खाते हैं प्लांट्स uh, को खाते हैं राइट प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं तो दीज आर द दर्बीवरस एनिमल्स द आइज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोर हेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिएटर्स तो ये जो हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं उनका आई का लोकेशन कहाँ पे होता है देखो

टेकिंग लॉन्ग लिप्स देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट डायरेक्शन इनके जो ईयर्स uh, होते हैं तो इनके ईयर्स कैसे होते हैं लॉन्ग होते हैं और फ्रीली मूवेबल होते हैं सो दैट दे कैन ईजीली रिसिव द साउंड फ्राम लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्राम डिफरेंट डायरेक्शन्स टू डियर एंड ब्लैक बर्ग हैव कलर्स डैट मर्ज विद देअर सराउंडिंग्स देयर टीथ आर स्ट्रोंग फॉर चूइंग टफ प्लान्ट मटेरियल और हर्बिवस एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसकी वजह से वो कौन सी भी टफ प्लान मटेरियल को ईजिली चू कर सकते हैं आफ्टर दैट अडप्शन इन डेजर्ट एनिमल नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द अडप्शंस इन डेजर्ट एनिमल डेजर्ट में एनवायरनमेंट कैसा होता है बहुत ही ड्राई होता है वहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है तो ऐसी जगह पे खुद को सरवाइव करने के लिए वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने खुद के बिहेवियर में और खुद के बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं ताकि वो बहुत इजीली उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके जैसे कि डेजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी डेजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ठीक होती है और उसकी वजह से उनके बॉडी में से वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस नहीं होता है थ्रू द स्किन दे इजीली प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी देअर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड क्शन सोल्स द नॉस्टिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन उनके जो नॉस्टिल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन द आई लैश आर लॉन्ग एंड थिक रैट्स स्नेक स्पाइडर्स लिजार्ड्स इन डेजर्ट लिव इन डीप बोरव ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट तो Uh, जो रैट होते हैं स्नैक होते हैं स्पाइडर होते हैं डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है वो वो ज़्यादातर दिन में बरोज में रहते हैं और डे टाइम वे वो सॉरी और, और वो नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं दिज आर सम कैरेक्टरस्टिक्स प्रेजेंट सॉरी दिज आर सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ एडप ऑफ डेजर्ट एनिमल्स तो ये कुछ कैरेक्टरस्टिक्स है डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स के आफ्टर दैट अडोपन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स स्नोवी रीजन्स में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका अडोप्शन हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी का कलर या फिर उनका जो कलर होता है वो ज़्यादातर वाइट और सिल्वर होता है उसकी वजह से वो बहुत ही ईजीली उस एनवायरमेंट में खुद को हाइड कर सकते हैं और बहुत ही इजीली uh, वो क्या कर सकते हैं प्रेडेटर से बच सकते हो और ख़ुद का प्रे इजीली कैप्चर कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट दे आर हैविंग थिक हेयर उनके स्किन के ऊपर एक थिक हेयर का लेयर होता है और उसकी वजह से उनको एक वार्म टेम्परेचर मिलता है उनके बॉडी को बॉडी uh, उन, उनकी जो बॉडी होती है वो uh, उतने ठंड क्लाइमेट में भी खुद को वार्म uh, वार्म रख सकती है राइट right? उनके बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर होता है स्किन का सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड एंड दिज आर द दिज आर सम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन तो ये सिंपल और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स में सो स्टूडेंट हियर विद दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड आवर अडाप्शन इन एनिमल्स रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सो प्लीज़ हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए थैंक यू